चलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है एमिवे की तरफ से। तो एमिवे के नए सॉन्ग का टीजर हमको आज देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही एमिवे का जो कंपनी सॉन्ग है उसने स्पॉटिफाई पे 4 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर ली है। साथ ही इसी कंपनी सॉन्ग ने इंस्टाग्राम रील्स पर 3 मिलियन से ज्यादा रील्स क्रॉस कर ली है। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो अभी आपको बताया होगा कि एमसी स्टैन जो है वो अभी द कपिल शर्मा शो में गए हुए हैं, और जो कपिल शर्मा है वो अब एमसी स्टैन को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करने लगे हैं। साथ ही कपिल शर्मा ने जो एमसी स्टैन के साथ रील शेयर की हुई थी उसमें कपिल शर्मा ने लिखा हुआ था, क्या बोलती पब्लिक, बाय है कि नहीं, लव यू ब्रो एमसी स्टैन, और उसमें उन्होंने हैशटैग कमिंग सून लिखा हुआ था। तो हो सकता है कि इस सैटरडे संडे को हमको देखने के लिए मिले। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इसी रील को शेयर करते हुए जो एमवीवे के ग्रैंड सॉन्ग की मॉडल है कनीसा अवस्थी, उन्होंने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे लिखा हुआ था एमसी स्टैन वाट एन इंस्पायरिंग जर्नी, सबको चुप करा दिया। साथ ही अगली जो न्यूज वो आ रही है लिल गोलू की तरफ से। तो लिल गोलू ने अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रखा हुआ था जिसमें किसी ने पूछा हुआ था ब्रो ब्लू आईज कब लिखा और कहां बैठ करते, उस पर रिप्लाई करते हुए लिल गोलू ने लिखा हुआ है जमा ठंडी रात मैं अपनी बालकनी में जमीन पे बैठ के लिखा। साथ ही उनसे पूछा हुआ था थॉट्स ऑन कृष्णा, तो इस पर रिप्लाई करते उन्होंने लिखा हुआ है बढ़िया आर्टिस्ट। साथ ही उनसे पूछा हुआ था इक्का पाजी के साथ कब सॉन्ग करो गोलू पाजी, तो इस पर रिप्लाई करते हुए लिल गोलू ने कहा हुआ है भाई के साथ जल्दी होगा बस मिलन हो जाए थोड़ा। साथ ही किसी ने पूछा हुआ था लिल गोलू एक्स रागा, तो इस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है नो। साथ ही उनसे पूछा हुआ था लिल एक्स रा, तो इस पर रिप्लाई करते हुए लिल गोलू ने लिखा हुआ है हाल ही में तो कुछ नहीं है अभी। साथ ही अगली जो न्यूज वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा ने कल जो स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि न्यू ट्रैक सैटरडे को आ रहा है, इसी के बारे में किसी ने ट्वीट किया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था एल्बम ईपी कुछ तो भाई कृष्णा, भाई नहीं चाहिए सिंगल ट्रैक माफ कर दो, तो इस पर रिप्लाई करते हुए कृष्णा ने कहा हुआ है ठीक है फिर नहीं डालता। साथ ही जो उमेर म्यूजिक है उन्होंने एक ट्वीट को लाइक किया हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कृष्णा प्रोड्यूस बाय उमेर। साथ ही प्रभदीप की ब्रह्म डीलक्स 2 तारीख को देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही हरजश ने भी एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे लिखा हुआ था X मार्च 2023। साथ ही जो 47 है उनकी एक ईपी रिलीज हुई है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।